हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने साइज रिडक्शन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे साइज रिडक्शन क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से मोड ऑफ स्ट्रेस अप्लाई करके हम साइज रिडक्शन को कर सकते हैं। अगर ये सब टॉपिक आपसे मिस हो गए हैं तो हमारे पुराने वीडियो को देख के आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैमर मिल और बाल मिल के बारे में। इसमें हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मेरा नाम है महेंद्र, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैमर मिल के बारे में। तो जो हैमर मिल है उसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो ये इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब हैमर्स, या आप इसको हिंदी में हथौड़ा भी बोलते हैं, अगर हैमर्स हाई स्पीड से रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि जो भी पार्टिकल इनके कांटेक्ट में आता है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, जिसके कारण कि उसका साइज छोटा हो जाता है। हैमर से इम्पैक्ट होने के बाद में वो पार्टिकल उस कंटेनर की वॉल पे भी इम्पैक्ट करता है, वहाँ पे भी इम्पैक्ट होता है और उसका साइज छोटा होता है, और पार्टिकल्स आपस में भी इम्पैक्ट करते हैं और उनका साइज छोटा होता है। तो इन तीन जगहों पर इम्पैक्ट होने के कारण सब्सटेंस का साइज छोटा होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है इस डायग्राम में है, तो अगर आप इसमें देखें, है ये कहलाता है मिलिंग चैम्बर। इसके अंदर साइज रिडक्शन की प्रोसेस होती है। ये यहाँ पे हुपर है, हुपर के थ्रू जिस सब्सटेंस का साइज छोटा होना होता है वो इसके इक्विपमेंट के अंदर आता है। यहाँ पे स्क्रीन अटैच होती है, स्क्रीन मतलब जो आपकी छन्नी है, जिस पोर साइज का पार्टिकल आपको चाहिए उस साइज की स्क्रीन आप यहाँ पे अटैच कर देते हैं, और वो सब्सटेंस जब उस साइज का हो जाता है तो स्क्रीन के थ्रू पास होके जो है रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। तो अगर हम इसके इक्विपमेंट की बात करें तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है। तो इसका ओरिएंटेशन या तो ये वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टाइप का होता है। हालांकि वर्टिकल मतलब कि हैमर्स हैं वो इस तरह से मूव करेंगे, और अगर हम जो है हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में इसके जो हैमर्स हैं वो इस तरह से मूव करेंगे जैसा कि इक्विपमेंट में है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक है आपका जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टाइप और दूसरा है वर्टिकल शाफ्ट टाइप। अब हम बात करते हैं हैमर्स के बारे में। तो हैमर्स जो है वो हार्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। स्टेनलेस स्टील का ही वो ज़्यादातर हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है कम रिएक्टिव रहता है और हमारे प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल रहता है। तो ये जो हैमर्स हैं वो स्टेनलेस स्टील या हार्ड स्टील के जो है बने हुए होते हैं। कुछ प्लेस पे ये जो है पत्थर वगैरह के भी होते हैं, तो वो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कम यूज़ करते हैं, इस वजह से जो है हम अधिकतर स्टेनलेस स्टील को ही यूज़ करते हैं। अब इनका शेप देख लेते हैं। तो जो हमारे हैमर्स हैं वो जो है या तो बार शेप के होते हैं या स्ट्रिप शेप के होते हैं, मतलब कि ये जो हमारी पेंसिल है ये जो है बार शेप की है, गोलाकार है, और जो स्ट्रिप है जो हमारी स्केल होती है, पटरी होती है, उस तरह के। तो या तो बार शेप के होते हैं या स्ट्रिप शेप के होते हैं, और इनका जो इज है वो या तो फ्लैट रहता है इस तरह से, या जो है शार्प रहता है इस तरह से। अगर आप जो है इसका हार्मोन नोक देखें तो ये शार्प है और ये जो इज है ये फ्लैट इज है। तो या तो ये फ्लैट होता है, और जो हमारा हैमर है वो या तो रिजिड होता है, मींस शाफ्ट के अंदर फिट रहता है, मूव नहीं होता है, या तो ये स्विंग टाइप का होता है, उसके अंदर मूव करता रहता है, इस तरह से रोल होता रहता है, या तो ये उसके अंदर बिल्कुल रिजिड रहेगा, ठोस रहेगा, उसके अंदर फिट रहेगा, वेल्ड आप कर देते हैं, या आप उसको स्विंग टाइप का रखते हैं। तो इन दोनों प्रकार के हैमर्स को हम यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब हम लोग बात करते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो अगर हम इसका जो कंस्ट्रक्शन देखें, हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन देखा, अब हम लोग इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो वर्किंग है, जो हैमर्स है वो हमारा लगभग 8000 से लेकर 15000 आरपीएम पे रोटेट होता है। इसमें जो हुपर है वहाँ से जो हमारा सब्सटेंस है वो जिसका साइज छोटा होना है वो इसके अंदर आता है। यहाँ पे रहता है वेंचुरी फीडर, जिसके थ्रू वो अंदर की ओर जो है ढकेला जाता है, और जब ये जो है मिलिंग चैम्बर में आता है तो वहाँ पे हाई स्पीड रोटेटिंग हैमर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक वो नीचे स्क्रीन लगी होती है, जिसके थ्रू जब पार्टिकल साइज उतना छोटा हो जाता है तो वहाँ से सब्सटेंस नीचे की ओर रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। तो इसकी जो आपकी वर्किंग है वो जो आसान है, बट जो इसमें
जो हम सीव यूज करते हैं वो सीव हम जो पोर साइज का पाउडर हमें चाहिए उससे हम थोड़ा सा जो है उसका पोर साइज सीव का पोर साइज बढ़ा के रखते हैं। क्यों, इसको भी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा सीव है उसका उसके पोर साइज पे वो कैसे वो डिपेंड करता है। जब हमारा सब्सटेंस हाई स्पीड में रोटेट होता है तो अगर स्लो स्पीड में है तो क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो इस तरह से अंदर की इससे पोर से छिद्र से बाहर निकलता है तो हमें जो है बड़े साइज का सब्सटेंस मिलता है। बट यहाँ पे हमारी स्पीड स्लो रहती है और जैसे जैसे हम स्पीड इंक्रीज करते जाते हैं इसका जो मोशन है वो टेंजेंशियल होता जाता है और टेंजेंशियल होगा तो ये इसी साइज के पोर से हमें छोटे पार्टिकल्स नीचे प्राप्त होंगे। तो ये स्पीड पे भी वो डिपेंड करता है या आप कह सकते हैं कि जो सीव है उसके डायमीटर पे भी वो डिपेंड करता है और उसकी थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मीन्स अगर वो जितना हमें थिक हमारी स्क्रीन होगी हमारी छन्नी होगी वो जितनी मोटी छन्नी होगी उतना ही छोटा पार्टिकल उसमें से बाहर निकलेगा और जितना ही हमारी स्क्रीन पतली होगी उतना ही हमारा बड़ा पार्टिकल इसमें से बाहर निकलेगा। अब हम देख लेते हैं इसका यूज क्या क्या है। तो ये जो है इक्विपमेंट यूज होता है फाइन टू मॉडरेट ग्राइंडिंग के लिए। अगर हमें फाइन पार्टिकल्स चाहिए या मॉडरेट फाइन पार्टिकल्स चाहिए तो हम इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली जो है 10 से 400 mm तक के पार्टिकल्स हमको मिलते हैं। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो जो हैमर मिल है उसके जो आपके एडवांटेज है, पहला एडवांटेज क्या है, हैमर मिल इज इजी टू सेटअप, मतलब आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, इजी टू डिसमेंटल, आसानी से आप उसको फिर से अलग अलग कर सकते हैं और अलग अलग करके आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस इसमें आसान रहती है। उसके बाद जो इसका वो दूसरा एडवांटेज है, वेरियस टाइप ऑफ फीड स्टॉक कैन बी हैंडल्ड यूजिंग स्क्रीन ऑफ डिफरेंट साइज। इसमें आप अलग अलग साइज का स्क्रीन यूज करके अपने हिसाब से पार्टिकल साइज की रेंज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा एडवांटेज है, हैमर मिल ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस, ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इट इज वर्सेटाइल, दैट इज स्पीड एंड स्क्रीन कैन बी चेंज। ये जो है वर्सेटाइल होता है, मतलब आप जो है फिक्स नहीं है कि आपको आप एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोसेस ही एक पर्टिकुलर पार्टिकल साइज ही आप इससे कर सकते हैं। आप स्क्रीन को चेंज करके और हैमर की स्पीड को चेंज करके आप छोटा पार्टिकल भी उसमें से निकाल सकते हैं और बड़ा पार्टिकल भी उसमें से निकाल सकते हैं, साइज रिडक्शन कर सकते हैं। एज इट इज ऑपरेट इन ए क्लोज्ड एनवायरनमेंट, ये क्लोज एनवायरनमेंट में ऑपरेट होता है जिससे कि आप ऐसे सब्सटेंस वो जो कि हजार्डस है उनको भी इसमें आप जो है यूज कर सकते हैं। अगर ओपन असेंबली होगी तो क्या होगा, अगर आपका सब्सटेंस जो है हजार्डस है, मीन्स वो आप जो उसके पास में है जो ऑपरेटर है उसको अगर नुकसान पहुंचा सकता है, तो अगर ओपन एनवायरनमेंट होगा तो वो हो सकता है उसको इनहेल कर ले या उसके मतलब पाउडर्स उसकी डस्ट उसमें से निकले। तो ऐसा इसमें नहीं है, ये क्लोज असेंबली है और जो हमारा पार्टिकल्स है वो जो एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज नहीं होते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज देख लेते हैं, तो जो इसके आपके डिसएडवांटेज है, पहला डिसएडवांटेज क्या है, द स्क्रीन मे गेट क्लॉग्ड, मीन्स प्रोसेस करते करते जो छन्नी है जो स्क्रीन नीचे आपने लगाई है वो फट जाती है, जिसके कारण कि हमें प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ता है और उसको फिर से क्लीन करके फिर से लगा के प्रोसेस फिर से स्टार्ट करनी होती है। उसके बाद जो इसका दूसरा डिसएडवांटेज है वो क्या है, हीट बिल्डअप ड्यूरिंग मिलिंग। जब हम हाई स्पीड हैमर को मूव करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे हीट वो डेवलप हो जाती है। अगर हमारा सब्सटेंस ऐसा है जो कि हीट से सेंसिटिव है तो वो हमारा डिग्रेडेट होना शुरू हो जाता है, उसको हम इस इक्विपमेंट में यूज नहीं कर सकते। इसका जो अगला डिसएडवांटेज है वो क्या है, वियर ऑफ मिल एंड स्क्रीन इज मोर विद एब्रेसिव मटेरियल। अगर हमारा मटेरियल एब्रेसिव है, उसके जो मटेरियल है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होता है कि हमारी वियर एंड टियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और उसके बाद जो अंतिम इसका डिसएडवांटेज है, हैमर मिल कैन नॉट एम्प्लॉय टू मिल स्टिकी फाइब्रस एंड हार्ड मटेरियल। ये जो हमारा इक्विपमेंट है ये स्टिकी मटेरियल अगर है तो उसको इसमें साइज रिडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हैमर में स्टिक हो जाएगा और फिर वो घूमता रहेगा, साइज रिडक्शन वो नहीं होगा। अगर फाइब्रस हमारा सब्सटेंस है तो भी इसमें साइज रिडक्शन नहीं होगा, और अगर बहुत हार्ड सब्सटेंस है तो भी इसमें साइज रिडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब हम लोग बात करेंगे बाल मिल के बारे में।
तो जो हमारा बाल मिल है इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं टम्बलिंग मिल्स। ठीक है, अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये इम्पैक्ट और एट्रिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इम्पैक्ट और एट्रिशन कैसे होगा ये अभी आप इस वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये इक्विपमेंट जो है इम्पैक्ट और एट्रिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर जो बॉल्स हैं वो मूव करती हैं, वो जैसा कि नाम से इंडिकेट है कि यहाँ पे हम जो है बॉल्स यूज कर रहे हैं। तो जब वो बॉल्स मूव करती हैं तो उसके बीच में इम्पैक्ट और एट्रिशन होता है, जिसके कारण कि हमारा साइड रिडक्शन होता है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का है। इसमें ये है आपका मेटेलिक सिलेंडर, ये जो हलपूरा है ये ऊपर से यहाँ पे लिड है, इसको हम क्लोज और ओपन कर सकते हैं। हम सब्सटेंस को बाहर निकालना और इसके अंदर डालना ये हम जो है लिड के थ्रू करते हैं। उसके बाद में इसके अंदर स्टेनलेस स्टील की बॉल्स रहती हैं और जो हमारा फीड मटेरियल है उसको भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं। तो इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो बाल मिल जो है, बाल मिल कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, ये एक खाली सिलेंडर की तरह का होता है विच इज माउंटेड ऑन ए मेटेलिक फ्रेम। ये एक जो है खाली सिलेंडर होता है जो कि एक जो है ये खाली सिलेंडर है जो कि एक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर माउंटेड होता है। The length of the cylinder is slightly greater than diameter. Means जो हमारा सिलेंडर है उसकी जो लेंथ है वो उसके डायामीटर से थोड़ा ज्यादा होती है। The cylinder is made of a metal and is usually lined with chrome. Means जो हमारा सिलेंडर है ये मेटल का बना हुआ होता है बट इसके अंदर जो लाइनिंग्स होती हैं वो क्रोम की होती है। लाइनिंग्स होने के कारण क्या होता है कि जो बॉल्स हैं वो स्लिप नहीं होती हैं, उसके ऊपर ट्रैवल करती हैं वो, जिसके कारण कि हमें एक अच्छा साइज रिडक्शन प्राप्त होता है। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री समटाइम्स द सिलेंडर इज लाइंड विद रबर और पोर्सलिन। अगर हम फार्मास्यूटिकल पर्पस की बात करें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, तो जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर जो लाइनिंग्स हैं वो या तो रबर की होती हैं या पोर्सलिन की होती हैं, क्योंकि ये जो है रिएक्ट नहीं करते हैं और हमें वहां पे एक प्रॉपर रफ सरफेस देते हैं बॉल्स को मूव कराने के लिए। उसके बाद क्या है, द सिलेंडर कंटेन्स बॉल्स दैट ऑक्युपाई 30-50% ऑफ मिल वॉल्यूम। मीन्स जो बॉल्स हैं वो उतनी होनी चाहिए कि वो हमारे टोटल वॉल्यूम का 30-50% ही अक्यूपाई करें। मतलब ये जो टोटल वॉल्यूम है इसका 30-50% ही अक्यूपाई करें। और जो हमारा हम सब्सटेंस ऐड कर देते हैं उसके बाद जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉल को मूव करने के लिए भी स्पेस चाहिए। द बॉल साइज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ फीड एंड द डायमीटर ऑफ द मिल। जो बॉल है उनका जो साइज है वो हमारा जो फीड है जिस सब्सटेंस का हम साइज छोटा करने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है, और जो हमारा जो सिलेंडर है उसके डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। बॉल्स आर मेड ऑफ स्टील, आयरन, स्टोन्स। जो हमारी बॉल्स हैं वो स्टील की बनी होती हैं या आयरन लोहे की बनी होती हैं या स्टोन पत्थर की बनी हुई होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे बॉल मिल के वर्किंग के बारे में। तो हमने आपसे इससे पहले कहा था कि मतलब टोटल वॉल्यूम बॉल और जो मटेरियल का 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 60% हम इसके अंदर जो है लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है लिड ओपन करते हैं, उसमें से बॉल्स और मटेरियल को अंदर डाल देते हैं और लिड क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपका सिलेंडर है उसकी स्पीड। अगर आप हाई स्पीड पे इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि जो बॉल्स हैं वो हमारे कंटेनर के सरफेस पे मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हाई स्पीड पे आप इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमको कोई भी साइज रिडक्शन प्राप्त नहीं होगा। अगर हम इसको स्लो स्पीड में मूव कराएंगे तो क्या होगा कि बॉल एक दूसरे के ऊपर रोल होती रहेंगी, तो इस कारण क्या होगा केवल हमें एट्रिशन का फोर्स ही प्राप्त होगा, जिसके कारण कि बहुत थोड़ा सा साइज रिडक्शन होगा। बट अगर हम एक करेक्ट स्पीड में इसको मूव करेंगे तो क्या होता है कि बॉल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अप्रॉक्सीमेटली टॉप तक जाती हैं, बट वहां से जब वो नीचे गिरती हैं तो जब बॉल एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं और उनके बीच में मटेरियल आता है तो वहां पे इंपैक्ट का भी जो है हमें फोर्स मिलता है, जिसके कारण कि यहाँ पे सबसे इफिशियंट साइज रिडक्शन
होता है। तो जो हमारी स्पीड है वो ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा फास्ट भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम करेक्ट स्पीड पे इसको मूव करेंगे तो क्या होगा कि हमें एट्रिशन का फोर्स भी प्राप्त होगा और इम्पैक्ट का फोर्स भी प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस इक्विपमेंट के यूजेस के बारे में। तो इसका जो यूज है, इट इज यूज फॉर द फाइन ग्राइंडिंग विद ए पार्टिकल साइज ऑफ 10 to 5 mm और उससे लेस भी। तो ये अगर हमें फाइन ग्राइंडिंग करना है तो हम इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील की बॉल को अगर हम यूज करते हैं तो हम ऑप्थेल्मिक और जो हमारे पैरेंटल प्रोडक्ट है उनका भी हम इसमें साइज रिडक्शन कर सकते हैं। और जो बॉल मिल है, बॉल मिल एट लो स्पीड इज यूज्ड फॉर मिलिंग डाइज, पिगमेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड। ये सब चीज़ें जो है अगर हाई स्पीड पे इम्पैक्ट होता है तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो स्लो स्पीड में हम जो है इन सब चीज़ों का भी इसमें साइज रिडक्शन कर सकते हैं, डाइज का, पिगमेंट्स का और इंसेक्टिसाइड का। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो जो इसके एडवांटेज हैं, पहला एडवांटेज क्या है, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। ये बहुत फाइन पाउडर प्रोड्यूस करता है। इट इज यूज्ड फॉर बैच ऑपरेशन। ये बैच ऑपरेशन के लिए यूज होता है, मींस ये कंटीन्यूअस ऑपरेशन के लिए नहीं, बैच ऑपरेशन। एक बार आपने एक सब्सटेंस को फिल किया, उसका साइज छोटा किया, उसके बाद में आपने इक्विपमेंट को क्लीन किया, अब आपने दूसरा प्रोडक्ट डाला, तो ये एक बैच प्रोसेस होता है जिसके कारण कि इसमें मिक्सअप के चांसेस कम रहते हैं। इसका जो तीसरा एडवांटेज है वो क्या है, बाल मिल इज सुइटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग। ये वेट और ड्राई दोनों ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है। टॉक्सिक सब्सटेंस कैन बी ग्राउंडेड एज द सिलेंडर इज क्लोज सिस्टम, मीन्स अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो भी हम इसमें उसका साइज रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इक्विपमेंट है वो एक क्लोज असेंबली है। सिंस द मिल इज क्लोज सिस्टम, स्टेरिलिटी कैन बी अचीव। अगर हमें स्टेराइल सब्सटेंस प्रिपेयर करना है, इंजेक्टेबल सब्सटेंस प्रिपेयर करना है, तो भी हम इस इक्विपमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज असेंबली है जिसके कारण कि बैक्टीरिया वगैरह इसमें इन्फेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, मिलिंग ऑपरेशन कैन बी एकम्पनीड इन एन इनर्ट एटमॉस्फियर इफ ऑक्सीजन सेंसिटिव सब्सटेंस आर टू बी मिल्ड। मीन्स ये एक क्लोज असेंबली है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से सेंसिटिव है तो हम जो उसके अंदर की जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर की जो ऑक्सीजन है उसको उसमें से बाहर निकाल देते हैं और उसके प्लेस पे हम कोई इनर्ट गैस, वो जैसे वो नाइट्रोजन वगैरह यूज करके उसको हम कर सकते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन सेंसिटिव अगर कोई सब्सटेंस है उसका भी साइड रिएक्शन कर सकते हैं। इन बॉल मिल इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड लेबर कॉस्ट इज लो। इसमें इसको इंस्टॉल करना, इसको ऑपरेट करना और इसमें जो है वो लेबर कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होती है। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो डिसएडवांटेज है, इट इज वेरी नॉइसी मशीन। ये ऐसा इक्विपमेंट है कि ये बहुत शोर करती है। आप खुद सोचिए, स्टेनलेस स्टील की अप्रॉक्सीमेटली 100 बॉल जब मूव करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो बहुत शोर होता है वहां। इसका अगला डिसएडवांटेज क्या है, वियर कॉजेज फ्रॉम द बॉल्स एज वेल एज फ्रॉम द केसिंग में रिजल्ट इन कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जब बॉल्स आपस में टकराती हैं तो अक्सर ये होता है कि बॉल्स टूट जाती हैं या वो अलग कंटेनर जो है वो टूट जाता है, तो उस कंडीशन में कंटामिनेशन के चांसेस इसमें होते हैं। और जो हमारा बॉल मिल है, बॉल मिल इज ए स्लो ऑपरेशन। ये एक स्लो ऑपरेशन है, हल धीरे होता है, इसमें साइज रिडक्शन अच्छा होता है बट स्लो होता है। और जो अंतिम है, सॉफ्ट टैकी एंड फाइब्रस मटेरियल कैन नॉट बी मिल्ड। अगर हमारा मटेरियल सॉफ्ट है, चिपचिपा है या फाइब्रस है तो वो इस इक्विपमेंट में उसका साइज रिडक्शन नहीं हो पाता। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।